अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो हांडी स्टीम स्पाइसी बूस्ट लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही इजीली आपको घर में मिल जाते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आधा किलो जो है वो मैंने हड्डी वाली चिकन ली है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसमें मैं 1/4 कप दही डाल रही हूँ। चार चाय के चमचे अदरक लहसुन पेस्ट या 1 खाने का चम्मच भी आप डाल सकते हैं। 3 चाय के चमचे जो है वो पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1/2 चाय का चम्मच जो है वो फूड कलर जर्दा रंग जो होता है और 1 टीस्पून भर के नमक। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये ब्रोस्ट जो है मैंने दाल चावल के साथ सर्व किया था। पहले मैं सोच रही थी कि दाल की भी जो है रेसिपी शेयर करूं, फिर मैंने सोचा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो इसलिए मैंने सिर्फ ब्रोस्ट की रेसिपी जो है वो शेयर की आप लोगों से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है वो हांडी में शिफ्ट कर दूँगी। सारा चिकन जो है मैंने इसमें डाल दिया है, बाकी जो इसमें मसाला रह गया है इसको मैं स्पैचुला से डाल दूंगी। अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसको अब कांटे से इस तरह से जो है वो मैं प्रेस करूंगी ताकि जो है वो इसका मसाला अंदर तक पहुंच जाए। और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेशन को टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैरिनेशन के बाद मैंने चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम मेरा हाई पर है। अब इसमें जो है मैं दरमियानी साइज़ की 4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसमें थोड़ी मैंने वेरिएशन की है। अब जब आप देखें इस तरह से अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो इस स्टेज पर जो है मैं इसको फॉइल से कवर कर दूँगी। अगर आपके पास लिड है तो आप लिड भी लगा सकते हैं, और ये हाथ से नहीं करना आपने क्योंकि बहुत गर्म है हांडी, तो इसके लिए आप जो है वो नैपकिन यूज़ करेंगे। मैं भी नैपकिन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी स्टीम आ जाएगी इसमें। और बहुत जल्दी भी जो है ये बन जाता है। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जो है लो फ्लेम पर मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर जो है वो 20 मिनट हो गए हैं। अब आप टिश्यू ले लें या नैपकिन ले लें और कोशिश करें कि अपना हाथ जो है वो बैक साइड पे रखिएगा क्योंकि स्टीम इसके अंदर बहुत होगी तो वो आपके हाथ पर लग सकती है। तो इसको डायरेक्टली आपने इस तरह से हटाना है फ़ौरन से। 20 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अब स्पून से। इस स्टेज पर चिकन जो है वो गल चुकी है, हद से ज़्यादा नहीं पकाना वरना वो टूट जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती देखने में भी। देखिए ये गल चुकी है अच्छी तरह से 20 मिनट में। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून 2 खाने के चमचे घी ऐड करूंगी। आप चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन डालने से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी।
अब घी डालने के बाद मैं इसको एक दो मिनट के लिए तेज़ आंच पर हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि हमारा घी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर दो तीन मिनट के बाद इस तरह से इसमें ऐसे उबाल आएगा और मैं जो है वो चूल्हा बंद कर दूंगी। इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये इसका सॉस है। इसको मैंने गार्निश जो है वो हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया से किया है और ये इसका सॉस है। इसको आप इस तरह से ऊपर से डालेंगे तो इसमें और ज़्यादा फ्लेवर जो है इसका एनहेंस हो जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो इसमें कोयले का दम भी दे सकते हैं, मेरे पास कोयला नहीं था। और अगर आप ज़्यादा खट्टा लेते हैं तो आप लीमू का रस भी इसमें निचोड़ सकते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो ब्यूटी से रिलेटेड होंगी, तो लेडीज़ जो हैं वो अलर्ट रहें क्योंकि मैं बहुत सी ब्यूटी टिप्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। एक बार फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।